बार फिर से बेहद एसडीएम शिव नारायण शर्मा ने तालाब की जमीन को कराया कब्जा। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ का है, जहां पर बस स्टैंड के सामने पिछले करीब 30-40 वर्षों से बिहारीगढ़ की मशहूर पकौड़ियों की दुकानें थी, जिनकी वजह से बिहारीगढ़ को अलग ही पहचान मिली हुई थी, जिनका विवाद कुछ वर्षों से चला आ रहा था। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एसडीएम बहन ने उन सभी दुकानों को रोड से हटवा दिया था, जिसमें कुछ दुकानदार फिर से उसी स्थान पर शिफ्ट हो गए। लेकिन आज फिर से एसडीएम बहन शिव नारायण शर्मा ने कार्रवाई करते हुए तालाब की जगह को कब्जा मुक्त कराया। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर एसडीएम ने कहा, यह तालाब की जमीन है, सरकारी संपत्ति है, भविष्य में आगे से किसी ने कब्जा किया या कब्जा करने का प्रयास किया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और आज साइन बोर्ड लगाकर अतिक्रमण करने वालों को हिदायत दी जा चुकी है। सरकार बताते हैं अशोक और डिंपल जी। इन लोगों का ना कहीं बैनामा है, ना कोई वसीयत है, ना खतौनी में नाम है। ये पूर्णतः अवैध रूप से तालाब की भूमि पर काबिज होना चाहते हैं। पहले ये सड़क की जमीन पर काबिज थे, और सड़क की जमीन से हटवाए जाए ने तो अब ये तालाब की जमीन पर सरकारी जमीन पर काबिज होना चाहिए। दोबारा से कब्जा करते हैं या कब्जा करने का प्रयास करते हैं सर, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? वहाँ बिहारीगढ़ में बाजार के अंदर तालाब की जमीन है, जिस पर कुछ पटौड़ी वालों ने कब्जा कर लिया था, जिनमें दो पत्रकार भी शामिल हैं, जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, पत्रकार होने का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पत्रकारिता के आड़ में वो अवैध कब्जा कर रहे हैं, और नेताओं को उच्च अधिकारियों जाकर भड़काते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं उन्हें। उनका कब्जा हटवाया गया था पुलिस बल के सहयोग से लगभग 15 दिन पूर्व, उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया है। उन्हें फिर चेतावनी दी गई है, वहाँ सरकारी जमीन होने के बोर्ड लगवा दिए गए हैं, दोबारा कब्जा करते हैं तो उनके विरुद्ध 447 IPC और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 2/3 के पुनः FIR कराई जाएगी, और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो जमीन सरकारी है, तालाब की जमीन है और सरकारी जमीन है, और उसमें इनकी भूमिका संदिग्ध है।